पारद शिवलिंग की पहचान क्या है तथा उसकी स्थापना घर पे कर सकते हैं और पार्थिव पूजन का या पारद पूजन का विधान क्या है, ऐसा इनका प्रश्न है। देखिए पारद, पारा एक ऐसी धातु है जो है वो द्रवीभूत है, द्रव में रहती है, तो उसको उसकी प्रक्रिया उसको युक्त करके शोध करके और उसको ठोस बना दिया जाता है और फिर उसके शिवलिंग बना दिए जाते हैं, तो वे भी शास्त्रीय हैं और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। लिखा हुआ है अंगुष्ठाग्र पर्व मात्र से, अंगूठे का जो अग्र पर्व है इससे छोटे नहीं होना चाहिए, इससे लेकर के और प्रादेश मात्र पर्यंत, ये तर्जनी और अंगुष्ठ की फैलाने की जो बीच की दूरी है इसका नाम है प्रादेश। तो इतने बड़े जो है मूर्ति शिवलिंग घर में रखे जा सकते हैं चल रूप में, तो इस तरीके से उनको इसके एक इंची से लेकर के और ये जो है प्रादेश मात्र 10 अंगुल है इसके बीच की दूरी को लेकर के इसी में कोई शिवलिंग बना करके प्रतिष्ठा करा करके शास्त्रीय विधि से फिर आप घर में रख सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। ये सब विधान है, पूजन कैसे करें तो ये तो शास्त्रों में देखना है और वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको किस तरीके से पूजन करें, अन्यथा हमने जो पीछे बताया हुआ है कि सामान्य रूप से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार से जो है पूजन आप कर सकते हैं। इनके मंत्र आदि को आपको देखना पड़ेगा, उपचार समर्पण की विधि को आपको समझना पड़ेगा किस प्रकार रूप से कैसे कैसे शास्त्रों में करनी है। हाँ, एक मैं अपना एक संस्मरण बताता हूँ आपको, पारद की बात आ गई तो पारा जो होता है वो पहले द्रवीभूत होता है, उसको कोई खा ले तो वो जहर होता है, वो विष है, इसलिए उसको खाना और उससे बचना चाहिए। मुख्य रूप से जो द्रवीभूत पारा है वो यदि स्वर्ण से छू जाए, कहीं सोने से छू जाए तो वो सोने को भी पारा बना देता है। एक जो है जब हमें वृंदावन में आया ही था पढ़ने के लिए तो हमारे पास कुछ दिन बाद एक सोने की अंगूठी थी जो मैं पहने हुए था, तो एक हमारे मित्र ही थे तो वो कहीं प्रतिष्ठा कराने के लिए गए, तो वहाँ प्रतिष्ठा में भी नीचे डालने के लिए पारद चाहिए होता है, तो वो एक थैली में रखे थे पारा। अरे देखिए पारा है तो उसको गिरा दो तो बिखर जाता था, फिर इकट्ठा कर दो फिर एक हो जाता है वो, तो हम भी उसको कौतुक बस खेल बस लिए और ऐसे ऐसे हिला रहे थे, तो वो थोड़ी देर में हमारी वो अंगूठी पिनी थी उससे टच हो गया, हमको पता नहीं चला, हमने उनको फिर दे दिया बाद में उन्होंने रख करके जो भी किया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हमारी जो अंगूठी सोने की थी वो चांदी की बन गई, चांदी जैसी हो गई। अरे कि मैंने कि हमारी अंगूठी चांदी जैसी हो गई, फिर हमने उसको जो खूब मिट्टी से मांजा वो नहीं छूटे और वो ऐसा लगे कि वो बढ़ता जा रहा है, फिर पूरी की पूरी जो है ऐसी हो गई। फिर एक हमारे साथी थे जो बहुत ही अच्छे, उन्होंने हमारा जो है बहुत ही यहाँ तक पहुँचने में सहयोग किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उसका हमें बहुत जो है दुख हुआ। तो वो भाई साहब थे जिनका नाम रामदत्त जी था, तो उन्होंने फिर कहा अरे इसको किसी स्वर्णकार को पूछ के आते हैं, तो वो पूछ कर के आए, उसने कहा अरे इसको जला दो, जल जाता है पारा, तो गैस पर रख करके खूब जलाया, एकदम लाल हो गया तो टूट गई और छोटे से टुकड़े बचे और फिर वो स्वर्ण के निकल आए थे वो छोटे छोटे टुकड़े, बाकी का वो जो है खराब हो गई पूरी, टूट टाट करके 8-10 टुकड़ों में बट गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो पारद बड़ा खतरनाक भी होता, तो वो सोने का भक्षण कर जाता और सोने को भी पारा बना देता, तो इससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए ये बात कही जा रही है कि पारे के शिवलिंग से सावधान रहना, स्वर्ण आदि वहाँ नहीं लगाना है, यद्यपि वो सोंध करके जब जो है बना दिया जाता है लिंग रूप में, जो ठोस रूप में आ जाता है, जब द्रव रूप से ठोस रूप अवस्था में आ जाता है तब फिर वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी उससे सदा सावधान रहना है। ठीक है जी, हर हर महादेव।